नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्लॉट खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारतीय स्टैंप अधिनियम संख्या 2 1899 की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में निष्पादित हस्तांतरण लिखने पर अनुसूची 1(ख) के अनुच्छेद 23 के खंड के अधीन प्रभारीय स्टैंप ड्यूटी से छूट प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह है अदालती भाषा। सीधे सीधे शब्दों में 17 मई 2013 से भूतपूर्व सैनिकों को 200 मीटर तक का प्लॉट खरीदने पर रजिस्ट्री कराने में अब उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री फीस नहीं लगेगी। यह सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलेगी और 200 मीटर तक के प्लॉटों पर ही मिलेगी। रजिस्ट्री का खर्चा सिर्फ 100 रुपये ही होगा। दोस्तों, यह सूचना तो पुरानी है, लेकिन मेरे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स मिल रहे थे, इसलिए यह वीडियो बनाई। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे दिग्गजों को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।